जो मैं आज आपको खिलाने वाला हूँ वो शायद ही आपने कभी खाया होगा। हाँ भैया, हरिद्वार के खाने की तलाश का एक चौथा एपिसोड है। अगर पहले वाले नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो भैया, हम आ चुके हैं गुरु भोजनालय पे सात्विक भोजन खाने के लिए। आपने तंदूर और चूल्हे की रोटी तो खाई होगी, पर जो मैं आज आपको खिलाने वाला हूँ वो आग में सिकी हुई रोटी है। जो रोटी अंगारों पे सिकती है उसमें एक विशेष कुरकुरापन आता है जो आपको गैस पे नहीं मिल पाएगा। गैस पे रोटी आप सेकेंगे, एक हल्का सा कड़वापन महसूस होता है, लेकिन जब भी लकड़ी पे रोटी सिकेगी उसकी कोयले पे, उसमें अलग मिठास आएगी। शुद्ध देसी खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं हरिद्वार में। हाँ, यहाँ का खाना बहुत सात्विक है क्योंकि लहसुन प्याज का परहेज रहता है खाने में आजकल। तो ये ढाबा ऐसा है, यहाँ पे लहसुन प्याज का नहीं लगता है इसमें तड़के में, तो इसलिए हम यही प्रेफर करते हैं। तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तहसील आनी रेवाड़ी का हूँ और हम आते रहते हैं कई बार। बिल्कुल यहाँ पे खाना खा के बहुत गांव वाली फीलिंग आ रही है। इनके जो फुलके थे काफ़ी अच्छे बने थे, बिल्कुल चूल्हे पे बने हैं, और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, और इनका जो बिहेव है बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल। मुझे तो 10 साल से ऊपर हो गया जी। हाँ जी, बहुत टाइम हो गया जब तक खाना खाना, हम खाना ही खाते हैं। ऐसा भोजन पर हरिद्वार में नहीं मिलेगा आपको, शुद्ध स्वादिष्ट और घर जैसा। बिल्कुल घर जैसा, सादा टेस्टी, इससे हल्का लाइट और बेस्ट खाना मैंने समझता हरिद्वार में मिलता है। हेल्दी है, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं, जैसे हैवी खाना हो जाता है या वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट। ये सर ड्राई मिक्स वेज, अब इसी में देखिए ये कि देसी मसाले पड़ेंगे इसमें जो यहाँ। हाँ जी, इसमें आर्टिफिशियल कोई भी मसाला नहीं है, ये इमाम दस्ते में कूटा हुआ मसाला है। ये भुना हुआ जीरा है, ये हरा धनिया है, ये कस्तूरी मेथी है, और ये मिक्स वेज है आपका, ये देसी घी पड़ गया है जी। ये अब लग रहा है अरहर की दाल, और कुछ लोग भाषा में बोलते हैं इसको तुअर की दाल। इसमें भी सेम सारे मसाले डाले हैं। हाँ जी, ये देखिए जीरा भुना हुआ, ये भुना हुआ धनिया, ये कुटा हुआ जीरा, ये कसूरी मेथी, और ये आपका हरा धनिया। ये हम इसको तैयार करते हैं अपने देसी तरीके से, कलर को लाने के लिए। जो ये तैयार होता है देसी स्टाइल से, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल मसाला नहीं है। ये अब आपका हो गया आलू मोगरा करी वाला। ये मोगरा जो तैयार होता है मूंग की दाल से तैयार होता है सर। और ये सभी कस्टमर को ऐसे ही मिलता है? ये सर स्पेशल थाली जब लगाते हैं है। तो देसी घी सारी चीज़ों में तड़के, ये इसी स्टाइल से तड़के लगते हैं देसी घी से, वो स्पेशल थाली हो जाती है। स्पेशल थाली कितने रुपए की है? 140 की स्पेशल थाली। हाँ जी, इसमें अभी हाफ रायता आएगा, एक पापड़ आएगा, रायता भी लगा, रोटियों पे घी आएगा रायता, और क्वार्टर चावल आएगा, इसमें बूंदी का ही रायता बनता है। मसाला कौन सा है इसमें? मसाला पड़ा हुआ है नमक, काला नमक, जीरा, हरा धनिया। तो गाइस, हमारी रोटी पे ये देसी घी लग रहा है। ये स्पेशल थाली है 140 रुपीस की, जिसमें आपको देसी घी में सब्जियों के साथ, रोटी के साथ, सब में देसी घी मिलता है। और ये हमारी लग गई 140 की थाली। एक पापड़ भी आएगा। ओके ठीक है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सात्विक भोजन, सात्विक भोजन बोलेंगे इसको, सात्विक भोजन आज हम खाएंगे। तो गाइज, हमारी प्लेट लग गई है, हम बैठ गए हैं, सिटिंग है बैठने की। अच्छा अच्छा, तो हरी चटनी भी आ गई है, आप खाते हैं, बाकी पापड़ रह गया, पापड़ भी हमें मिलेगा अभी हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सात्विक भोजन। तो सबसे पहले मांस उतारते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी सबसे पहले रोटी से टेस्ट करते हैं, एक एक करके सारी सब्जी खाएंगे, जो कि आपने देखा कि रोटी पुराने ज़माने में आग में सिकी है सारी रोटी, और जो कि टेस्ट मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन होगा, जो हमें नहीं मिलता है शहरों में। शहर में भी हरिद्वार में आपको ये टेस्ट ज़रूर मिलेगा, तो एक बार आना बनता है। ये हमारा पापड़ भी आ गया, स्टार्ट करें फिर। हम्म,
कोई भी आपको ऐसा मसाला नहीं मिलेगा जो आपकी सेहत के लिए ख़राब हो। सारे मसाले घर के हैं, इनके खुद पीसते हैं ये। ये अब आलू मोगरे हम खा रहे हैं जो कि बेसन के बने होते हैं और आलू की सब्ज़ी है। बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट होगा शायद यार। अब हम खा के ही पता करते हैं कि क्या टेस्ट है इसका। जो इनके मोगरे हैं ना वो मुंह में ही घुल गए। अगर आप बाहर कहीं मोगरे बनाते हैं या फिर खाते हैं, आपने देखा होगा वो बहुत हार्ड होते हैं। इनके मोगरे मुंह में ही घुल गए, लगा ही नहीं कि हमने बेसन खाया है। सब्जियों में देसी घी जो ऊपर से डाला है ना, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है। और जो भी इन्होंने अपने मसाले डाले हैं सब्जी बनने के बाद, सब्जी में तो है, सब्जी बनने के बाद भी इन्होंने अच्छे अच्छे मसाले, आपने देखा कि कितने सारे मसाले इन्होंने डाले हैं, सबका टेस्ट पूरा मुंह पे आ रहा है, जीभ पे आ रहा है इनका टेस्ट। मिक्स वेज सब्जी ट्राई करते हैं, चटनी भी थोड़ी लगाते हैं सात्विक भोजन के साथ, चटनी तो बनता है। सैलड भी है। अगर हम कोई खाना बाहर खाते हैं ऐसा लगता है कि हैवी हो गया या कुछ हो गया, पर यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि लाइट बिल्कुल फील हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कुछ ऐसा खा रहे हैं कि हमें थोड़ी देर बाद दिक्कत होगी। ऐसा लग रहा है कि सिंपल खाना खाया जा रहा है, बहुत रिलैक्स से खा रहे हैं, फील आ रही है कुछ खाना खाने के बाद। और रायता भी है, थोड़ा रायता टेस्ट करते हैं। ठंडा ठंडा फ्लेवर है। बहुत अच्छा लग रहा फील, मतलब अंदर से ना क्या बताऊं मैं आपको। आप देखिए ये मार्केट का ब्लैक सॉल्ट है, आप इसका कलर देखिएगा। ये हमारा अपना ओरिजिनल हाथ का कुटा हुआ इमाम दस्ते में कुटा हुआ ब्लैक सॉल्ट है भैया, ये देखिए। ये ओरिजिनल हाँ स्टोन में ही आता है ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। इसको बाद में पीस कर कूटने के बाद, ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल है, ये मार्केट से है जो आपको मिलता है अवेलेबल। देखिए आप कलर का फ़र्क देखिएगा, ये डिफरेंस मार्केट में तो ये मिलता है, यही मिलता है भैया। आपके काम करने की इच्छा हो, आपके में काम करने का शौक़ हो ना, तो ये चीज़ें आपको कुदरती खुद ही मिलनी शुरू हो जाती है। भैया देखिए हम लोग यहाँ पर करीब बहुत लंबे समय से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और हमें समझिए कि हमें विरासत में मिली हैं चीज़ें, उसको हम अपने अंदर डाल लेते हैं। हाँ भैया देखिए गैस की रोटी तो आपको नॉर्मली कहीं मिल जाएगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो चूल्हे की रोटी का स्वाद है वो बहुत डिफरेंट है। इस रोटी में आप जिसको जितनी अंगारों पर सिकेगी उसमें एक अलग ही मिठास है, एक अलग ही टेस्ट है, वो चीज़ आपको गैस पे नहीं आएगा। अभी आप भोजन करेंगे आप उसमें खुद डिफरेंस देखेंगे। आप घर पर गैस की रोटी खाते हैं और आप अभी इस रोटी को खा के देखेंगे, आप खुद डिफरेंस बताएंगे कि कितना फर्क है टेस्ट में। अगर लोकेशन की बात करें तो आप मनसा देवी पैदल यात्रा के ऑपोजिट साइड में जो गली जा रही है वहाँ से आप सीधा सीधा चले जाइए और आपको गुरु वैष्णो भोजनालय मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप गुरु भोजनालय पे आएंगे तो आपको ये गायक जी मिलेंगे, तो इनका गाना जरूर सुनिएगा प्लीज दोस्तों। ये गीत खुद भी घर बेटी छोड़ चली, बेटी ससुराल चली, खुद भी रोए औरों को रुलाए, खुद औरों को रुलाए, बाबुल का घर बेटी छोड़ चली, बेटी ससुराल चली। और आपको सात्विक खाने की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया वीडियो रेगुलर आ रही है, तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं।